द्वारा ये साइकिल रेस का शुभारंभ किया जा रहा है। आज हमारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जानकारी है आपको, आपको वोट बना हुआ है, वोटर आईडी बना है, वोट डालते हो पहले? नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। पहले तो आज आपको पता है कि राष्ट्रीय मतदान दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में बोराड़ी स्टेडियम में युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजन कराया गया है और हम भी उस आयोजन में पहुंचे हैं। तो यहाँ पे जगह जगह जो है स्टॉल लगाए गए हैं हर विभाग के, और कार्यक्रम भी है और संगीत भी है। मतलब मतदान के प्रति जागरूकता का ये कार्यक्रम है बेसिकली। तो बस आप भी वीडियो में आगे बने रहिए और देखते रहिए। चौदहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस, दिव्यांग बच्चों की रंगोली। देख ये आज जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस एवं जो हमारा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, और एक मतदाता जागरूकता के अवसर पर हम साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, और इसमें करीब करीब 20 साइकिलिस्ट द्वारा साइकिल रैली की जाएगी जिसमें मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया जाएगा। साथ ही साथ दो ATVs भी है, ऑल टेरियन व्हीकल, जिसके द्वारा भी मतदाता संबंधित जागरूकता ग्रहण किए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर है, उससे ये कैंप चलाया जा रहा है। जितने भी दिव्यांगजन है टीरी डिस्ट्रिक्ट में, ब्लॉक वाइज आपके जितने ब्लॉक हो वहाँ से सारे दिव्यांगजन को यहाँ पे, मतलब खेल कूद भी है, जो अगर खेल सकता है और जो भाग दे सकता है खेल वगैरह भी, और जिनका आधार कार्ड जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना है उनको सर्टिफिकेट वगैरह हम वो करेंगे समाज कल्याण विभाग से। ये हमारे जो है राष्ट्र संस्था से भी है, मतलब जो हमारी स्वयंसेवी संस्था है ग्रामीण क्षेत्र विकास समिति, उसके हमारे चेयरमैन श्री सुशील बगोना जी हैं, और उनके माध्यम से भी जो हम DDRC के माध्यम से इस कार्यक्रम को यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें जितने भी हमारे डिसेबल लोग हैं जिनके सर्टिफिकेट नहीं बने हैं उनके सर्टिफिकेट बनेंगे, और जिनको प्रमाण पत्र देने हैं उनको प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। लूडो भी है, प्रतियोगिता जो है ये समाज कल्याण टेरी के माध्यम से की गई है, जिसमें दिव्यांग जनों के लिए कैरम बोर्ड, ये लूडो हो गया, ये अपना बैडमिंटन हो गया, साथ में जो विजेता होंगे उनके लिए जो है पुरस्कार की व्यवस्था भी की गई समाज कल्याण के माध्यम से। जिला निर्वाचन कार्यालय टीवी गढ़वाल। ये बच्चों के लिए मैडम खत्म हो गए थे, एक बच्चे के लिए 5 रुपए के पैसे दो। 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है, और इसमें हम स्वीप के अंतर्गत विभिन्न चुनावी गतिविधियां करवाई जा रही हैं। इसमें बच्चे, विद्यालय के बच्चे भी आए हुए हैं और हमारे कई विभागों से लोग आ रहे हैं जिनसे हम अपनी निर्वाचन से संबंधित गतिविधियां करा रहे हैं। यहाँ पे हमारा विभागीय स्टॉल है और इसमें हम आपको निर्वाचन से संबंधित गतिविधियों के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि क्या क्या स्वीप की अंतर्गत कार्य होते हैं या क्या क्या उसमें भूमिकाएं होती है लोगों की, इससे संबंधित आपको जानकारी देंगे, वो भी खेल के माध्यम से। नेशनल वोटर्स डे, और मैं ये चाहूंगी, सबसे अनुरोध करूंगी कि इस बार के मतदान में आप सब लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, और हम लोग इसी चीज को प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये रंगोली हम लोग बना रहे हैं, इसमें लिखा है प्रोसेस ऑफ इलेक्शन की, प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले है कि आपको नॉमिनेशन फिल करना है, उसके बाद से जो एनालिसिस है
नॉमिनेशन का आपको वो करना है, कैंपेन होगा, वोटिंग जो आपका वोटिंग डे है उस दिन आपको जो पोलिंग बूथ है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जाके आपको वोट डालना है अपना। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर हमारे मध्य में हमारे मुख्य अतिथि महोदय, हमारे जिले के माननीय जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। माननीय जिला विकास अधिकारी महोदय द्वारा ये साइकिल रेस का शुभारंभ किया जा रहा है। ये साइकिल रेस मैदान में ये प्रतिभागी साइकिल रेस करते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस के शुभ अवसर पर और जिला विकास अधिकारी महोदय ये बालिकाओं की देश बहुत ही शानदार प्रदर्शन। यहाँ पर ये समाज कल्याण विभाग जनपद टीवी गढ़वाल का दिव्यांग मतदाता स्टॉल है सर। इसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जानकारी है आपको? आपको वोट बना हुआ है? वोटर आई डी बना है? वोट डालते हो? पहले हमने वोट डाला है। और विकलांग प्रमाण पत्र बना है आपको? वोटर आई डी बना हुआ है? स्वीप के बारे में जानकारी नहीं है और कुछ पूछ लीजिए भैया डिसेबल के बारे में। इसमें से आपको किसी भी चीज के बारे में पता है? उम्र कितना उम्र पे वोटिंग? मैं तो सर 18 साल की उम्र में वोट दे दूंगा। ये शांति बनाए रखिए पंडाल में। वोटर क्या होता है? जैसा स्थान बैठ जाए पता नहीं चल रहा है तू किसी लास्ट ऑप्शन होता है रन ऑफ द मतलब ऊपर में से कोई भी नहीं ऊपर में से कोई भी नहीं सामने से नोट ये किसी को भी नहीं देना चाहता। मतदान करते हैं महोदय और जो दिव्यांग आइकॉन है रोशन लाल जी एवं उनकी पूरी टीम। स्वागतम मन की वीणा से गूंजित ध्वनि मंगलम स्वागतम 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 स्वागतम। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जय हिंद। वोट डालिया दीदी वोट डालिया महोदय तमाम अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। पंडाल में हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं देखिए आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जनपद टेरी गढ़वाल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया
और इसमें हमने ये प्लान किया है कि इस बार हम अपने चुनाव की जो थीम है, जो हमारा मेन इनिशिएटिव रहेगा, वो एक्सेसिबल इलेक्शंस रहेगा। मतलब कि कोई भी दिव्यांग मतदाता हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत हो, सहारे की ज़रूरत हो, और पहाड़ों के दुर्गम स्थल भी होते हैं, तो हम सभी को इंश्योर करेंगे कि वो मतदान करने ज़रूर आएँ। और इसी क्रम में आज कई सारे दिव्यांग मतदाताओं को आज यहाँ पर आमंत्रित किया गया है, उनके साथ हम वार्तालाप भी कर रहे हैं, उनको क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं या पहले कभी फेस करी हैं उसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस बार मतदान करने में कोई समस्या उनको ना हो। और साथ ही इसके साथ ही अगर किसी दिव्यांग मतदाता के कोई प्रमाण पत्र अवशेष हैं या फिर कोई उनकी वोटर आईडी में कोई दिक्कत हो, उनकी मार्किंग में कोई दिक्कत हो, तो उसके बारे में भी आज लगातार यहाँ पे कार्रवाई हो रही है। को जो लेता हो ईमानदार, हम मिलकर करेंगे सरकार का निर्माण, हम मिलकर करेंगे सरकार का निर्माण। तलब है बंधो सब योला, जो इस मार्च का ऊंचा, तलब है बंधो सब जोला, जो इस मार्च का ऊंचा। सच का लहजा थोड़ा टेढ़ा होता है, कहीं अगर अटकोगे तो बोलूंगी। देखो भरोसा बेहद नाजुक होता है, ये शीशा जब भी चटकेगा तो बोलूंगी। सवास बोली सवास। NOTA का पूरा नाम है None of these above, none of the above, none of those above, none of them above. रिपीट करते रहे। पहला उत्तर है None of these above, none of the above, none of those above, none of them above. None of these above. सही है सर? ठीक है, प्रश्न का उत्तर सही है None of these above। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप SEEEP कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ किया गया? ये सीबीएसई पौराड़ी जिले है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ किया गया? पहला ऑप्शन है 2008, दूसरा है 2009, तीसरा है 2014 और चौथा है 2019। दोबारा ऑप्शन बोलिए सर। पहला ऑप्शन है 2008, दूसरा है 2009, तीसरा है 2014 और चौथा है 2019। गठित ELC इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के सदस्य होते हैं 11वीं व 12वीं कक्षा के छात्र, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है 11वीं व 12वीं कक्षा के वो छात्र जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है। तीसरा ऑप्शन 9वीं से 12वीं के समस्त छात्र छात्राएं और चौथा ऑप्शन है 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राएं। माध्यमिक विद्यालयों में गठित ELC के सदस्य होते हैं 11वीं व 12वीं कक्षा के छात्र, 11वीं व 12वीं कक्षा के वो छात्र जिनकी आयु 18 वर्ष हो चुकी है। सर 11वीं व 12वीं की कक्षा के वो छात्र जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। गलत ऑप्शन है 9वीं से 12वीं कक्षा के समस्त छात्र। बहुत बेहतरीन। कोई दिक्कत नहीं, वोट जाएंगे, जा रहे लगना तब क्या तरीका है, वाह। चलो भाई।